नमस्कार, मैं हूं उमा अग्रवाल। अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। हम चाहे कितना भी अनोखे से अनोखा और अच्छे से अच्छा व्यंजन खा लें, पर जो बात रोटी और पराठे में होती है वो किसी में भी नहीं होती है। और अच्छा रोटी और पराठा बनाने के लिए अच्छे आटे का गूंदना भी जरूरी है। तो अच्छा आटा किस तरीके से गूंदा जाता है, आइए आज हम आपको बताते हैं। आटा लगाने के लिए हमको चाहिए 1.5 कप आटा जो छना हुआ है, 150 मिलीलीटर पानी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 बड़ा परात जिसमें हम आटा लगाएंगे। अब हम रोटी के लिए या पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। इसमें नमक डालेंगे, इसको मिला लेंगे ताकि नमक सारे आटे में अच्छे से मिल जाए। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, थोड़ा रब्बा चला लेंगे। आटा मलने के लिए जितना आटा होता है उससे कम पानी चाहिए होता है। पानी हम धीरे धीरे डालेंगे, अगर एकदम डाल देंगे तो आटा गीला हो जाएगा। रोटी का और पराठे का आटा ऐसा मला जाता है कि ना तो ज्यादा मुलायम हो और ना ज्यादा टाइट हो। बचा हुआ रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसमें डाल के आटे को चिकना करेंगे। थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लेंगे। ये आटा हमारा मलके तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा ये आटा। इससे हम पराठा बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं।